मेरा नाम सूरज छेत्री है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। माँ, मम्मी, पापा सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। बचपन से ही मेरे दोनों पैर मुड़े हुए थे, मैं ढंग से चल नहीं पाता था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। सब मुझसे तेज दौड़ते थे, मैं पीछे रह जाता था। ऐसा लगता था कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाना चाहता। बहुत अकेलापन लगता था, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसको सब कुछ पता था कि मुझे कब बुरा लगता है और कब मुझे अकेलापन महसूस होता है। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। पापा को कुछ भी मतलब नहीं था, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहती थी एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ ना। मेरा जन्मदिन था, मैं 15 साल का हो चुका था। आज का दिन बहुत बुरा है, माँ ने मुझे प्यार भी नहीं किया। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पापा माँ को लेके अस्पताल गए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरे पापा ने कहा। मुझे जल्दी जल्दी अस्पताल बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। कौन सी बीमारी मुझे नहीं पता, बस सब कुछ बदल गया था। मेरी लाइफ, भाई बहन, पापा सब बदल गए थे। मैं बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। पापा झगड़ा करते थे, कोई भी मेरा ध्यान ही नहीं रखता था, मुझसे प्यार भी नहीं करता था। भगवान ने बहुत बुरा किया। माँ की बहुत याद आती थी, वो रोज मेरे सपनों में आती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, बोलती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन पापा ने मुझे बहुत मारा, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। सब लोग बहुत खराब थे। मैं 17 साल का हो गया था। एक दिन मैं घर से भाग गया और पापा से, भाई बहन से सब से दूर, अपनी माँ से भी दूर, दिल्ली किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम से काम, सिर्फ काम। लेकिन कोई मुझे काम भी देता क्यों, मेरे पांव मुड़े हुए थे। मैं ज्यादा समय में कम काम कर पाता था। पढ़ाई मैंने की नहीं, मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, लेकिन भीख नहीं मांगनी थी और मैं रोया भी नहीं। माँ ने हमेशा मुझे सिखाया था कि हार नहीं मानना, भगवान तकलीफ उसको ही देता है जो
से झेलने की हिम्मत रखता है। तकलीफ झेल के ही आदमी महान बनता है। मुझे माँ बहुत याद आती है। सबके पास माँ है पर मेरे पास माँ ही नहीं। मुझे होटल में बर्तन धोने का काम मिला। महीने के 700 रुपए मिलते थे। बहुत थे मेरे लिए। खाना पीना रहना सब फ्री। अब सब कुछ ठीक हो रहा था। आज मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। सुबह के 7 बजे थे। मैं होटल के लिए लेट हो रहा था। होटल पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट था। मैं वहीं से गया। मैं जल्दी जल्दी रेलवे की पटरी पर चल रहा था। आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब तरफ कोरा कोरा छाया हुआ था। ठंड भी लग रही थी। जिस चीज का डर था वही हुआ। सामने से ट्रेन आ रही थी। 6-7 पटरियां थी। क्या पता कौन सी पटरी पे ट्रेन थी। और पुल के बीच में फंस गया था। अब तो भगवान ही मेरी रक्षा करेगा। ट्रेन जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आंखों के सामने बड़ी सी लाइट आ रही थी। धाड़ धाड़ बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। ट्रेन मेरे पटरी पे थी। मैं वहां से हटता इतने में मुझे बहुत जोर से टक्कर लगी। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। पंद्रह दिन बाद मुझे होश आया। पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरे दोनों पैर कट गए थे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बहुत बुरा। इतनी तकलीफ देकर ना जाने भगवान मुझे कितना महान बनाना चाहता है। सिर्फ एक दिन के लिए भगवान मेरी माँ दे दे, मैं उसके गले लग कर रोऊंगा। बहुत रोऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया। मैं नफरत करता हूँ सबसे। भगवान से भी, खुद से भी, अपनी माँ से भी नफरत करता हूँ। जिसने मुझे पैदा किया और चली गई इतने दुख झेलने के लिए। अब मैं कभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। कभी चल भी नहीं पाऊंगा। दौड़ भी नहीं पाऊंगा। एक एनजीओ के कार्यकर्ता के थ्रू हमें पता चला, सूरज नाम का एक पेशेंट दिल्ली में है। उसे उदयपुर राजस्थान के नारायण सेवा संस्थान में ट्रांसफर किया गया। उस वक्त सूरज बहुत डिप्रेशन में था। बात भी नहीं करता था और किसी तरह का कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। एक अजीब सी नाराजगी थी। उसे विश्वास था कि वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वो हमारे ट्रीटमेंट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। इधर उसके पापा ने भी उसे मिलने का मना कर दिया था। लेकिन एक अजीब सी चीज है हमें देखने को मिल रहा था, जो वो हमेशा मंदिर में दिया करता था। हमारे सामने एक नई चुनौती थी। हमें ऐसे पैर उसके लिए बनाने थे, कृत्रिम पैर, जिसमें वो चलते समय अपने घुटने को मोड़ सके। हमने जब उसको असेसमेंट किया, हमने पाया जो उसके एक घुटने, एक दोनों पैर तो कटे हुए थे और एक पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे और दूसरे पैर घुटने पर ही कटे हुए थे, घुटने के थ्रू।
और जो पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे वो थोड़ा सा टेढ़ा भी था, बाहर की तरफ टेढ़ा था, और हमें बहुत दिक्कत आ रही थी एक ऐसा पैर डिजाइन करने के लिए जिससे उसको चलने पर किसी तरह का कोई पेन नहीं हो। वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो पहनना भी नहीं चाह रहा था, वो ये सोच रहा था जब मैं व्हील चेयर में जैसे चल रहा हूँ वैसे ठीक है, और मैं अगर पैर पहनूंगा तो काफी दर्द होगा, और कभी कभार ये सोच सोच करके वो रोने भी लग जाता था। तो हमें लगता था जे हम कैसे पैर फिट करें जिससे उसको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, ताकि वो उस चीज को यूज कर सके और हमारी मेहनत सफल हो सके। हमें ऐसे पैर डिजाइन करने थे कि वो चलने में हल्के हो, और सबसे बड़ी बात उसके घुटने चलते समय आसानी से मुड़ सके। इधर सूरज डिप्रेशन में था, उसने सभी से बात तक करना बंद कर दिया था। एक्चुअली उसने अब उम्मीद छोड़ भी दी थी। 2 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार हमें सूरज के पैर लगाने में सफलता हासिल हुई। सूरज को बताया कि उसके नए पैर लगाने जा रहे हैं। उसने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई। जुलाई 2013 को सूरज को लाया गया। उसके सामने उसके नकली पैर रखे हुए थे। मेरे आंखों के सामने मेरे पैर पड़े थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। फाइनली सूरज को पैर लगाया गया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पैर पहनाया गया। सबने एक साथ तालियां बजाई। पूरे 10 महीने बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हम सभी भी इमोशनल हो गए थे। पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। मेरी तो हंसी नहीं रुक पा रही थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। मैंने कदम बढ़ाए और गिरते गिरते बचा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी चलना सीखना था, दौड़ना भी था और क्रिकेट भी खेलना था। ये सब देख करके हमें इतनी खुशी होती है जे सूरज के एक्चुअली सूरज खुद बहुत आत्मविश्वासी है, और वो बहुत इंटरेस्ट शो किया और बहुत कम टाइम के अंदर उसने चलना सीख गया। ये देख करके हमें बहुत खुशी होती है। और सूरज हम सभी में काफी घुल मिल चुका है, उसके काफी दोस्त बन गए हैं। नारायण सेवा संस्था की वजह से ही मैं चल पाया हूँ। मेरे अब दोस्त भी है। मुझे प्रोग्राम में स्टेज पर बुलाया गया और तालियां बजाई गई।
मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक परिवार भी मिल गया है। नारायण सेवा संस्था ही मेरा परिवार है, यहीं पर रहकर काम करूंगा, दूसरों की सेवा भी करूंगा। वो अब अपनी जिंदगी फिर से जी रहा है। धन्यवाद ईश्वर।